नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल तजर्बेकार में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया में कुछ समय पहले बहुत सारी वेबसाइट्स को बंद कर दिया गया है, जिसमें मूवी रिलेटेड साइट और साथ में पॉर्न साइट्स और टॉरेंट साइट्स को बंद कर दिया गया है। और अगर हमने उसमें से किसी भी वेबसाइट को ओपन करना हो तो हम कैसे करेंगे, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ये लिंक देखिए, worldforyoufree.vip, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर लिखा था दिस साइट कांट बी रीच। और अगर हम आगे वाली वेबसाइट को जैसे watchmoviesfree.us को उसको ओपन करते हैं तो ये भी नहीं ओपन हो रही है। और अगर हम इस वेबसाइट putlockers.cafe को ओपन करते हैं तो यहाँ पर साफ साफ लिखा आता है वेब पेज ब्लॉक्ड एंड द पेज यू हैव रिक्वेस्टेड हैज बीन ब्लॉक्ड बिकॉज द यूआरएल इज बैंड एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। और जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं, हम सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताते, साथ में इसका सोल्यूशन भी बताते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा और उसमें जाकर सर्च कीजिए ऑरबॉट प्रॉक्सी विद टॉर। इस सॉफ्टवेयर को अपने इंस्टॉल कर लेना, लेकिन मैंने इसको पहले से इंस्टॉल किया है तो अब मैं इसको सिर्फ अपडेट कर लूँगा। इंस्टॉल होने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है, उसके बाद आपने इसका वीपीएन मोड को ऑन कर देंगे। उसके बाद जो नीचे सेटिंग का आइकन है उसको प्रेस करेंगे तो वहाँ से अब अपने किसी ब्राउज़र को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर क्रोम को सेलेक्ट कर लिया है, और जैसे अब मैं क्रोम को ओपन करूँगा तो अब देखेंगे जो साइट्स पहले से नहीं खुल रही थी, अब हम उनको दोबारा चेक करेंगे और देखेंगे। देखिए, ये साइट अब अच्छी तरह से ओपन हो रही हैं, ये वाली। और अब हम इसको ओपन करेंगे तो इसने कैप्चा कोड मांग लिया, तो हम इसको कैप्चा को फिल करेंगे और सभी कार्स की फ़ोटो को सिलेक्ट किया, वेरीफाई किया और देखेंगे कि ये साइट भी अब ओपन हो गई है। जी हाँ, और अब जिस साइट पर लिखा था कि ये साइट सिर्फ इंडिया में बैन कर दी गई है, अब हम उसको ओपन करेंगे तो वो साइट भी अब हमारे सामने ओपन हो गई है। ये देखिए, ये साइट भी हमारे सामने अब ओपन हो गई है। और ये एक साइट जिसको मैंने पहले चेक किया था, ये एक टॉरेंट साइट है bittorrent.am, ये भी पहले ओपन नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब मैं इसको देख रहा हूँ तो ये अब ओपन हो रही है। यह देखिए bittorrent.am। और अब आप देखिए, जैसे हम इसके वीपीएन मोड को बंद कर देते हैं और साथ में सॉफ्टवेयर को हम एग्जिट कर देते हैं, तो जब हम दोबारा से क्रोम को खोलेंगे और हम उसी लिंक को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे अब हम उस वेबसाइट को दोबारा से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो जी हाँ, मैंने आपको बता दिया कि हम किस तरह से ब्लॉक वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। और साथ ही में ध्यान रखिएगा, इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है और हम किसी भी तरह के इलीगल एक्टिविटी और पायरेसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। अब जाते जाते इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएँ।